हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटी अपडेट्स बाय प्रवीण में। तो जिन बच्चों का बैक का एग्ज़ाम है उनके लिए ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनका बैक का एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज 24 मार्च को जो है DGT ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जो कि आप खुद देख सकते हो न्यूज़ एंड अपडेट के अंदर। ये जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये जानकारी जो है वो पहुंच जाए। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ हॉल्टिक एलिजिबिलिटी AITT फरवरी 2020, उनके लिए जो है ये नई नोटिफिकेशन आई है। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, दोस्तों ये है NCVT MIS पोर्टल पर जो है ये नोटिफिकेशन डाली गई है। और जारी की बात करूँ तो ये 24 मार्च को जारी हुई है, ये आप खुद डेट देख सकते हो। और जो कि DGT ने, यानी कि डायरेक्टिव जर्नल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा, DGT के द्वारा जारी की गई है। नंबर आप ऊपर देख सकते हो, MSDE 18011 जो भी दिया गया है। और इसमें जो बात सब्जेक्ट दिया गया है, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ जनरेशन ऑफ हॉल टिकट फॉर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अंडर CTS सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम, जो कि अप्रैल 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम होना है उन्हीं के लिए ये लेटर जो है वो जारी किया गया है। विद रेफरेंस ऑफिस लेटर जो जारी हुआ था 28 फरवरी 2020 को, उसके रिगार्डिंग ये जो MIS पोर्टल पर डाला गया है। अब आप देख लीजिए, एक्टिविटी ऑफ परफॉर्म्ड, टाइम दिया गया है और स्टेक होल्डर दिया गया है। तो काफ़ी बच्चों के जो है सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस वगैरह अपलोड नहीं हो रहा था, तो उसके लिए जारी हुआ है। और आपका हॉल टिकट कब आएगा, ये नई नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे पहले आप देखिए, सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस, एग्ज़ाम फीस और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, ये सारी जो है सेमेस्टर फर्स्ट और अगस्त 2018 और अगस्त 2019 की जो सेमेस्टर फर्स्ट फाइनल है, या फिर अपलोड ऑफ फॉर्मेटिव सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस और एग्ज़ाम फीस, ऑल एक्सट्रेनिस ऑफ ईयर फर्स्ट एनुअल सिस्टम जिनका है, उनकी जो टाइम की बात करें तो 24 मार्च 2020 से 27 मार्च 2020 तक डेट जो है वो कर दी गई है। और बाय द प्रिंसिपल ऑफ ITA के द्वारा ये किया जाएगा। इसके बाद में अपलोड ऑफ सेंटर मैपिंग, यानी कि आपका हॉल टिकट जो होता है उसका जो सेंटर मैपिंग जो होता है, उसकी डेट जो है 28 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 तक कर दी गई है, जो कि आपके स्टेट के अंदर आता है। इसके बाद में आपका हॉल टिकट कब डाउनलोड होगा वो देख लीजिए, 31 मार्च से 8 अप्रैल तक जो है आपका हॉल टिकट जो है सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम का जो है, जो ट्रेनी है उनका डाउनलोड होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ ITA, यानी कि आपकी जो ITA है वहीं से आपका जो है हॉल टिकट डाउनलोड होगा। और इसके बाद में नोट देख लीजिए, दिस इज़ फाइनल चांस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अबव मेंशन डेट्स मे नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन ऑन 8 अप्रैल 2020। तो ये अब की बार आपके पास आखिरी मौका है, यानी कि अंतिम मौका है, जो कि डेट जो है एक्सटेंशन करी गई है। उसके बाद में आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम ही होगा, कोई डेट जो है आगे पीछे नहीं होगी। और फिर भी कोरोना वायरस के कारण अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, काफ़ी बच्चों के जवाब या फिर कमेंट आ रहे थे, तो अभी तक DGT ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ITA की अपडेट्स जो है वो डेली मिलती रहती है। और इसके बाद में कैंडिडेट्स विदाउट NCVT MIS पोर्टल जनरेटेड, यानी कि आप अगर NCVT MIS के द्वारा डाउनलोड यदि हॉल टिकट नहीं लेते हो तो आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठ पाओगे। तो आप अपने ITA से आपको मिल जाएगा आपका हॉल टिकट जो है, हॉल टिकट आपका आएगा 31 मार्च 2020 से 8 अप्रैल 2020 तक का जो है टाइम दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट।